नमस्कार, मेरा नाम है अमृतांशी जोशी। मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रिजल्ट्स के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में जनता को उनका नया मुख्यमंत्री नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय संगठन लगातार इस कश्मकश में उलझा हुआ है कि आखिर देश के दिल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। प्रदेश के 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां जनता की ओर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वो अपना अलग मिशन 29 लॉन्च कर चुके हैं, तो वही दूसरे बड़े नेता जो सीएम फेस की दौड़ में हैं, वो लगातार दिल्ली की दौड़ में नजर आ रहे हैं। 5 सांसद जिनमें खास तौर से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप का नाम शामिल है, उन्होंने लोकसभा में अपना इस्तीफा दिया है। इससे ये तो साफ हो गया है कि ये जो तमाम नेता हैं, ये अब मध्य प्रदेश में विधायकी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे खास बात ये हो जाती है कि ये जो तमाम नेता हैं, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या प्रहलाद पटेल की बात करें, इनका राजनीति में कद बेहद ही ऊंचा है। नरेंद्र सिंह तोमर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सौंप रखी थी। वहीं प्रहलाद पटेल भी जो है वो कमतर नहीं आके जाते हैं। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि अगर ये नेता मध्य प्रदेश आते हैं तो इनके कद के हिसाब से इन्हें पद भी दिया जाएगा। इसके अलावा राकेश सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। रीति पाठक 2 बार की सांसद हैं, सीधी से इस बार विधायक की तौर पर जीत कर आई हैं। इसके अलावा उदय प्रताप हैं। इन तीनों ही नामों को भी जो है बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही बड़े नेता, कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही बड़े नेता के इस्तीफे के बाद इनको मध्य प्रदेश में कोई ऐसा पद दिया जाएगा जो सभी को चौंका देगा। वहीं 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेफिकर होकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। वो वहां पर जाकर अपना मिशन 29 लॉन्च कर चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले का उन्होंने दौरा किया और कहा कि छिंदवाड़ा जिले की जो लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा की, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो आने वाली लोकसभा चुनाव में देना चाहते हैं। इसके साथ ही वो श्योपुर भी पहुंच रहे हैं जहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे जगहों पर जा जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का ये कूल अंदाज कुछ अलग ही बातें बता रहा है, कुछ अलग ही मायने दे रहा है। जहां एक और शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच में हैं, तो कहीं रैन बसेरा जाकर इंतजाम क्या कुछ है गरीबों के लिए ये चेक भी कर रहे हैं। उनका अंदाज पूरा मुख्यमंत्री वाला है, लेकिन उन्हें खुद भी शायद ये नहीं मालूम कि अगले मुख्यमंत्री वो होंगे या नहीं। मध्य प्रदेश में तमाम बीजेपी का केंद्रीय संगठन कश्मकश में डूबा हुआ है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, कद के हिसाब से पद कैसे दिया जाए, और इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी आयोजित है। बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय हो जाएगा, और शायद यही वजह है कि इसलिए इतना ज्यादा समय भी लग रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए खास तौर से केंद्रीय संगठन को आराम से मुख्यमंत्री का चयन करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी का केंद्रीय संगठन ये बेहतर तरीके से जानता है कि शिवराज सिंह चौहान को अचानक हटाना कहीं उनके लिए लोकसभा में परेशानी ना बन जाए। हालांकि जो तमाम बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है, ये अपने अपने क्षेत्रों के धुरंधर माने जाते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या प्रहलाद पटेल की बात करें। उम्मीद की जा रही है अगर ये आ रहे हैं तो अच्छे पद पर आएंगे और बीजेपी को लोकसभा में कुछ ना कुछ अच्छा खासा फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, 2024 का लोकसभा चुनाव। जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा कि लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा फायदा दिलवा सके, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी। कमलनाथ का एक अभेद किला छिंदवाड़ा जो बीजेपी के हाथ से निकल गया था, बीजेपी इस बार चाहती है कि 29 में से 29 सीटें उन्हें मध्य प्रदेश में मिले, क्योंकि बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी साउथ के राज्यों में कम है। इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हिंदी पट्टी के राज्यों से जितनी भी सीटें लोकसभा में निकाली जा सके वो उन्हें मिल जाए, और इसके लिए वो नेताओं को भी लाइन से खड़ा कर रही है। बीजेपी का एक अलग फॉर्मूला था तमाम केंद्रीय सांसदों और मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाना। अब उनके इस्तीफे से ये तो साफ हो गया है कि बड़े नेता अब मध्य प्रदेश में दोबारा पैर जमाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन और भी कई बड़े नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इसके अलावा एक और खास नाम है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा।
ये तीन नाम भी लगातार मध्य प्रदेश में चर्चाओं में हैं, लेकिन कई राजनीतिक समीकरण इनके हिसाब से भी बैठते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है, तो ग्वालियर चंबल से एक बड़े नेता हैं, कई चीजों को लेकर मशहूर हैं, अपनी महाराज वाली छवि को लेकर मशहूर हैं, लेकिन बीजेपी में आते ही अलग उनके जो है रंग ढंग देखने को भी मिल रहे हैं। एक खास बात यह है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी का एक धड़ा काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा। बीजेपी भले ही ये खुलकर ना बताती हो, लेकिन महाराज वाली छवि और गुट वाली छवि जो है वो खास तौर से सिंधिया का नाम आते ही देखने को मिलती है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पश्चिम बंगाल में ज्यादा खास जो है वो रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पाए थे, इसलिए वहां से जब जिम्मेदारी छीनी गई राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था विधायक का चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, तो कहीं ना कहीं उनका जीत कर आना ये साफ तौर पर बता रहा है कि उनको भी जो है काफी बड़ा पद दिया जाने वाला है। लेकिन अपने अनर्गल बयानों के लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं कैलाश विजयवर्गीय और कई बार विवादों में भी फंसते हुए नजर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम इसलिए भी उछल रहा है क्योंकि एक कुशल रणनीतिकार इस बार संगठन का उनको माना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इंदौर में रोड शो किया, एकमात्र ऐसे नेता थे जो उनके साथ उनकी खुली जीप में सवार थे। वीडी शर्मा जो है खास तौर से एक सर्वंट चेहरा है, एक हम कह सकते हैं जनरल चेहरा है, और ऐसे चेहरे को मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना बीजेपी के लिए बेहद ही मुश्किल है क्योंकि ओबीसी की आबादी और आदिवासी यहां पर बड़ी संख्या में है। अब आदिवासियों की बात हो रही है तो सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम उछल कर आ रहा है। सांसद हैं और कहीं ना कहीं अपनी एक अलग छवि उन्होंने बनाई हुई है। कहा जाता है कि सुमेर सिंह सोलंकी संघ और संगठन काफी ज्यादा उनके करीबी माने जाते हैं और आदिवासी चेहरे को भी मध्य प्रदेश में बीजेपी बुनाने की कोशिश कर सकती है। कहीं ना कहीं कई नाम उछल कर आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में डेप्यूटी सीएम का कल्चर दोबारा वापस आ सकता है क्योंकि इतने सारे बड़े नेता एक साथ अगर आएंगे तो उनको पद देना तो जरूरी हो ही जाएगा, लेकिन उनके कद का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। लेकिन अभी फिलहाल वही सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन। इंतजार हम सभी को है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका नाम भी घोषित होगा और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण की तारीखें भी जो है वो घोषित की जाएंगी। लेकिन इंतजार शायद और थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ ही समय में मध्य प्रदेश की जनता को उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब तो जरूर मिल ही जाएगा। धन्यवाद।